रहा है। जिस समय वोट की टाइम होता है तो भैया थोड़ा ध्यान देना, वोट भी देना ध्यान से, हमको जिताइए, आप लोग का हम पुल बांध देंगे, नौकरी दे देंगे, छोकरी दे देंगे। अभी भी अगर चल जाएगा हमारा गांव में आपको 5000 रुपया देंगे, 10000 हमारा गांव में अभी चल जाएगा ना, 5-10000 रुपया देंगे अभी भी। और जितना ये MLA MP है कोई हम लोग को नहीं देख रहा है। जिस समय वोट की टाइम होता है तो साहब मैं 4 दिन से उन लोगों से मिल नहीं पाया हूँ। मैंने एक नाव के लिए प्रयास किया कि सर मुझे एक नाव दे दीजिए, अनाज मैं खुद अपने से खरीद करके ले जाऊंगा, लेकिन मुझे उन लोगों से मिलने तक मुझे वंचित कर दिया। इसलिए जाम किए हैं, प्रशासन ने, अब बारिश हो रही है लगातार 3-4 दिन से, अब पानी घर में घुस रहा है, आंगन में ऑलरेडी पानी है, मगर प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है, राहत बचाव कार्य, जिसके वजह से ना कोई प्रशासन के अधिकारी आए, ना कोई MLA MP कुछ भी नहीं आए यहाँ पे। हमारी दर्द सुनने के लिए कोई भी यहाँ पे हमारे सामने में नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं और चले आते हैं, वोट लेकर के जीत जाते हैं, बैठ जाते हैं कुर्सी पर, बट हम लोग की जो दर्द है, जो परेशानी है, वो हमेशा से वैसा ही रहा है। परेशानी हमारे यहाँ यही है कि हर जगह तो पानी मतलब नीचे आ गया है, ये सराय मुर्गी यदि पुल के नीचे जो जलकुंभ जो जमा हुआ है, इसका वजह से 5-7 गांव मतलब ऐसा डूबा हुआ है, ये जलकुंभ हटाना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम लोग यहाँ तक, अब तक कोई मतलब कोई विधायक जी आया ना, कोई प्रशासन आया ना, कुछ आया, कोई सुनावा नहीं किया हम लोग का। तो आप लोग सड़क जाम किए हैं, कब तक जाम रखेंगे इसको? जब तक वो लोग नहीं आए, जब तक जो है यहाँ पे कोई SDRF की जो है टीम नहीं आ जाए, तब तक जो है ये जाम लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि वहाँ एक मवेशी जो है मरा हुआ है, आपको उनको समझना चाहिए कि इस जो है इस तरह से रहने से महामारी फैलने का खतरा रहेगा, 3-4 तो उन लोगों को चाहिए कि जो जल्द से जल्द वो आए, ठीक है, प्रशासन आए, कम से कम वो देख करके जाए। मस्जिद रहनुमा को जब बोल रहे हैं कि वो कम से कम स्पॉट तक आए, यहाँ के हालात का जायजा ले, यहाँ देखे कि पब्लिक यहाँ पे क्यों इस तरह से करके रखा है, क्यों आप सुबह मॉर्निंग से हम लोग जाम करके रखे हैं। हालांकि कल से हम लोग यह साफ सफाई के काज में कुछ लोग लगे हुए थे, मगर कोई भी जिम्मेवार अधिकारी आए नहीं, तो वो किनको देख करके सफाई करेंगे? उनको वो अपनी जान पे खेल के सफाई काज शुरू कर रहे हैं, मगर फिर भी सर समस्या है। समस्या ये कि साहब आज 15 हो गया, 11 तारीख की शाम मुझे खबर मिली कि आपके पंचायत अंतर्गत मुर्गी विधि पुल के निकट में नीचे में जलकुंभ भी जमा हुआ है। मैं आया, कुछ लोगों को साथ में लाया, पता चला, देखने के बाद ये पता चला कि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल जाम है, और जो पानी यहाँ पर 135 फीट के एरिया में पानी जो निकलना चाहिए साहब, वहाँ पर मुश्किल से 10 फीट का एरिया में पानी निकल रहा है, बाकी सारा पानी जमा की वजह से 3 गाँव डूबा हुआ है, पहले जो कि सराय पड़ता है, 3 गाँव। मैंने सुबह इसकी जानकारी मैंने प्रखंड पदाधिकारी CO उनको दिया, उन्होंने कहा कि आप सवेरे आइए। मैं सवेरे गया 13 तारीख को, और मैं खुद अपने से अपनी गाड़ी में बिठाकर CO साहब को ला करके मैंने सारा यहाँ का नजारा दिखाने के बाद उनको लेके मैं प्रखंड गया। प्रखंड से मुझे मिला कि ठीक है, इसकी कार्रवाई होगी। अब तक क्या किया है? अब तक जब अभी 11 तारीख से लेके आज 15 तारीख 16 तारीख हो गया है, कोई भी प्रशासनिक कोई काम नहीं हुआ। अंतिम में मुझे अभी भी गांव में आपका पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी में एक गांव ऐसा है साहब कि मैं 4 दिन से उन लोगों से मिल नहीं पाया हूं। मैंने एक नाव के लिए प्रयास किया कि सर मुझे एक नाव दे दीजिए, अनाज मैं खुद अपने से खरीद करके ले जाऊंगा, लेकिन मुझे उन लोगों से मिलने तक मुझे वंचित रखा गया। फिर मुझे आज खबर मिली कि पूरे ग्रामीण लोग कल गया था कुछ अनाज के लिए, उन लोगों को वहां से खाली हाथ लौटा दिया कि कोई अनाज नहीं है यहाँ पर। ग्रामीणों ने मुझे खबर दिया कि यहाँ पर रोड जाम कर दी है, आप आइए, मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए। सड़क जाम करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जलकुंभ भी जमा है, इसको मैं अपने जेब के खर्च से, लोगों की मदद से, यहाँ से यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से मैं इसको अपने जेब के खर्च से सफाई करवा रहा हूँ। सिर्फ मैंने ये गुहार लगाया था कि आप प्रशासन लोग आइए, कम से कम देखिए, लोगों के हाल को जानिए। फिर भी देखने तक नहीं आया जनाब।
मैंने विधायक हमारे स्थानीय मास्टर मुजाहिद साहब से मैंने बात किया विधायक जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुखिया जी आप जो खर्च करके करा रहे कराइए, बाकी लोगों को जो यहाँ पर मुआवजा मिलने वाला होगा, राहत सामग्री होगा, मैं आपको दिला दूंगा। अब तक मुझे 100 ग्राम तक अनाज नहीं मिला, छह वार्ड है हम लोग का वहाँ 11-12 में इतना तकलीफ है सर, हम लोग जाने आने में हमारा सारा जमीन का मतलब मजिया खत्म हो गया, फिर घर भी डूब गया, माल जाल भी मर गया, तीन रोज से सब आदमी परेशान है सर है, 11-12 वार्ड में है, 13-14 वार्ड में है, उन लोग को बहुत तकलीफ है, हम लोग को भी तकलीफ है, जाने आने में बहुत तकलीफ है, और हम लोग के सभी का एकदम क्षति हो गया एकदम, और हम लोग इतना तकलीफ है, अभी खाने पीने का कोई भूखा हुआ है, ये पूरा गांव सर है, इस जाने से बहुत तकलीफ, पूरा पानी में भरा हुआ है, कैसे आना जाना करते हैं? अरे भाई आना जाना घर में रहते हैं, घर में टट्टी पेशाब सब चीज करता है, कहाँ जाता है, जाने का लायक नहीं है, जाके देखिए, जाके देखिए पूरा पानी जाके बरसात जल, अभी भी अगर चल जाएगा हमारा गाँव में आपको 5,000 रुपया देंगे, 10,000 हमारा गाँव में अभी चल जाएगा ना 5-10,000 रुपया देंगे, अभी भी देखिए अभी भी चलिए पानी घट गया, हम ये बोल रहे थे कि जो हमारा सराय में डूबा हुआ है और जितना ये एमएलए एमपी है कोई हम लोग को नहीं देख रहा है, जिस समय वोट की टाइम होता है तो भैया थोड़ा ध्यान देना, वोट भी देना ध्यान से, हमको जिताइए आप लोग का, हम पुल बांध देंगे, नौकरी दे देंगे, छोकरी दे देंगे, और इसलिए एमपी एमएलए सबको देखना चाहिए कि जो सराय डूबा हुआ है उसके लिए सब आप लोग को व्यवस्था करना चाहिए, वो एक डीएम परसों आया था एक डीएम ने कौन आया था, वो आके क्या कर रहा है, पहले इसको तोपवा दीजिए, हम लोग मिट्टी पैसे दे देंगे, वो सिर्फ ऑर्डर देकर चला गया और देखने भी नहीं गया कि तोपा कि नहीं तोपा, और हम लोग तब सब साथ होके तब हम 12 बजे रात तक सब हम तब उसको हम तोपे हैं, तब वो रुका हुआ है और उसको देखना चाहिए, और 4 दिन से हम बरसातों में है, पानी में खड़े हैं, हम लोगों का घर द्वार सब बांच गए हैं, कुछ रहने का जुगाड़ नहीं है, हम लोग गाछ के ऊपर लटके हुए हैं, कोई साधन ही नहीं है, कैसे हेल्प हेल्प के आए हैं यहाँ पे, अब तक कोई राहत, अब तक प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत नहीं हुआ है, अभी तक भी पानी में ही है, आप लोग कुछ साधन, सिर्फ रोड जाम करना नहीं है, ठीक है, हम लोग का मकसद है काम होना, ठीक है, हम लोग को काम चाहिए, जब तक के काम नहीं होगा तो यहाँ से भीड़ नहीं हटेगी, चाहे 24 घंटे के 48 घंटा हो जाए यहाँ से नहीं हटेगी भीड़, और जितने भी आदमी परेशान हैं, जितने भी गांव परेशान हैं, उस गांव को सहायता जरूर है, नहीं तो हम लोग यहाँ से जाम नहीं हटेंगे, चाहे 24 घंटा के 48 घंटा भी हो जाए, नहीं हटने वाला है, अब पानी से परेशान, हम तक कोई साधन नहीं, साधन